Justice! We want justice! We want only solution! Relocation! Only solution! Relocation! Only one demand, one solution! Relocation! One demand! Relocation! जैसे कभी इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमें लगता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट में जहां तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो आज हमने एक और डिसाइसिव स्टेप लिया है, क्योंकि परसों एक हाई लेवल मीट होने जा रही है हमारे इशू के लिए। हमने सोचा कि आज हम एक इंडिविजुअली लेटर्स भी इनको पोस्ट करेंगे, जिसमें हम जो प्रधानमंत्री जी को है उनके थ्रू, पोर्टल के थ्रू उन पे लेटर भेजेंगे, और जो LG साहब है उनको थ्रू फिजिकल मोड, और जो उनका पोर्टल है JK ग्रीवियंस उसके थ्रू लेटर्स इंडिविजुअल बेस पे भेजेंगे, और जो होम मिनिस्टर साहब को है उन्हें हम फिजिकली लेटर्स भेज रहे हैं। और हम ये जताना चाहते हैं कि जो हमें पर्सनल थ्रेट परसेप्शंस है, इन थ्रेट परसेप्शंस के दौरान और टारगेट किलिंग्स आप लगातार देख रहे हो, और थ्रेट लेटर्स भी लगातार हमें आ रही है। हमें वहाँ इसलिए मारा जाता है कि हम पर्टिकुलरली एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं और एक नेशनलिस्ट हैं, इसलिए हमें लगातार टारगेट किया जा रहा है। और इसी का रिसेंट एग्जाम्पल आपने राजौरी में भी विटनेस किया गया है कि जहाँ पे जो टारगेट किलिंग का पैटर्न था वो सेम रहा। और मैं मानता हूँ कि एक ऐसी सरकार जो सक्षम है एक बड़े हिस्टोरिकल फैसले लेने में, तो जहाँ पे ये मैटर ऑफ लाइफ है वहाँ पे इतना विलंब क्यों है। और आज के दिन में हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि काफ़ी महीनों से एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ की हार्डशिप हद से ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ मजबूर होके घाटी वापस चले गए हैं, और जो वहाँ गए उनसे जब हाल जानते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हालात एक जैसे ही लग रहे हैं जैसे मई 12 को थे, आज भी वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि आप वहाँ पे क्यों गए इस मजबूरी के कारण, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे रुकूंगा तो यहाँ पे 4 बंदे फैमिली के मरेंगे विदाउट सैलरी, वहाँ पे अकेले मरूंगा। तो इन सब के भी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन ही होगी अगर उनके साथ कुछ होगा। और ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके 8 महीने किसी डिमांड को पूरा करने में इस भारतवर्ष में नहीं लग सकता, व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ, जहाँ आप जानते हैं कि इनकी लाइफ हाईली वल्नरेबल है। वहाँ पे आपको एक डिसीजन के साथ आना पड़ेगा, इसमें जो आपका डिसीजन होगा आपके डिसीजन में होना चाहिए कि दैट आप इंश्योर करेंगे इनकी लाइफ, इनकी सिक्योरिटी, इनकी सेफ्टी। इसके बावजूद आपको और केस बताना चाहते हैं, हमारे बीच कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो डेथ बेड पे बैठे हुए हैं अभी, उसमें एक रिसेंट किलिंग चांदजी भट्ट की हुई और कुछ एम्प्लॉयज बिल्कुल डेथ बेड पे हैं, गवर्नमेंट ने उनको भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से नहीं देखा है। मैं आपको अभी कुछ फिगर्स दिखाता हूँ, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, इसमें से भी कुछ लोगों को PM पैकेज एम्प्लॉयज को, ये एक बार कैमरा की तरफ, अगर आप इनकी जान बचाते हैं तो आपके पास एक वे आउट है दूसरों की जान बचाने के लिए। हम भी उसी वे आउट को आपसे मांग रहे हैं कि कृपया करके हमारी जानों को इन्हीं ग्राउंड्स पे बचाइए। जब वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, जब घाटी को आप टेरर फ्री जोन कर देंगे डिक्लेयर, उसके बाद एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान बनाएंगे, तब जाके तो हम बच सकते हैं। अदरवाइज ये एक एक्सपेरिमेंट है जो लगातार फेल होता हुआ नजर आएगा, जिसमें और भी किलिंग्स होगी, और मुझे लगता है उस टाइम पे स्टेट ऑफ इंडिया एक मुश्किलों का सामना करेगी।